स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। आज आप मेरे साथ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं लंदन की एक बिजी मॉर्निंग, साथ में मेरे ऑफिस की थोड़ी सी झलक, थोड़ी सी मस्ती और आप व्लॉग के एंड में मेरे पति के हाथ का बनाया हुआ लाजवाब खाना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। और आज मैं लेके जा रही हूँ आपको अपने साथ अपने ऑफिस के रास्ते में। तो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी कि मॉर्निंग में आज फ्राइडे है, टेम्परेचर है 13 और मेरी बस आने वाली है, तो मैं आपको अपने साथ आज का रूट और अपना हॉस्पिटल दिखाती हूँ। तो चलो आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। मेरी बस आ गई। तो लंदन की ब्यूटीफुल मॉर्निंग है और बहुत ही कम ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। नॉर्मली इतना ट्रैफिक कम होता नहीं है। आज मैं अज्यूम कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी के स्कूल में टीचर ट्रेनिंग डे है, तो शायद इस वजह से मे बी बाकी स्कूल भी बंद होंगे, इसलिए मे बी इतना रश कम लग रहा है। पर नॉर्मली यहाँ पे इतना रश होता है कि लोग कार से कहते हैं ट्रैवल करना अवॉइड ही करते हैं। बट स्टिल जैसा है वैसा ही आपको दिखा रही हूँ कि आज एक्चुअल में रश पहले से बहुत कम है, जो सरप्राइजिंगली आई मीन अनयूजुअल है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अभी जो अपना कार्ड टैप किया था टिकट रीडर पे, आई डोंट नो उसको बोलते क्या हैं, जो बस में लगे होते हैं। तो इस लंदन की बसेस में या इंग्लैंड में बसेस में कंडक्टर नहीं होते हैं, वहाँ पे मशीन होती है। वहाँ पे आपको लंदन में जो चलता है वो चलता है ऑयस्टर कार्ड, तो आप अपना बैंक कार्ड भी टैप कर सकते हो। मैंने अपना बैंक कार्ड टैप किया था, मेरा जो टिकट का कॉस्ट आया है वो आया है वन बस का 1.55 पाउंड 55 पेंस। तो मैं नॉर्मली अपने जब तक मुझे अपने जॉब तक पहुंचने के लिए दो बसेस चेंज करनी है, तो एक रूट का मुझे 3 पाउंड पड़ेगा, और अगर मैं वापस भी बस में आती हूँ तो मुझे 6 पाउंड का एक रूट लगता है। जो नॉर्मली जो यहाँ का बस पास है उसका जो कॉस्ट है मंथली वो है 86 पाउंड। अब आप 86 पाउंड को कन्वर्ट करके देख लेना इंडियन रुपीज़ में या जिस भी कंट्री में आप रहते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका मंथली कॉस्ट क्या होता है। अब मैं पहुंच गई हूँ ट्रैवल करते करते, ये है करीज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, यू नो टीवी कुछ भी हो, ये एक रिटेल पार्क है जो अभी गया है। और ये यहाँ का एक बस स्टैंड है, छोटा बस स्टैंड, तो मेरी बस वहाँ रुकी है। तो यहाँ के बस स्टैंड थोड़े बहुत ऐसे होते हैं, तो ये अलग अलग रूट की तरफ जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो न्यू कंस्ट्रक्शन अगर आप देख रहे हो, काफ़ी सारे यहाँ पे फ्लैट्स हैं, स्टूडियो फ्लैट से लेके 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम अलग अलग रेंज है। तो 3.5K से लेके ये जो स्टार्ट होती है रेंज 6 तक जाती है, 6 करोड़ इतना बोल सकते हो इन रुपीज़ में, यहाँ बोलते हैं 6K। अब आप इस बस में नोटिस करो रेड बटन, तो क्योंकि इन बसेस में कंडक्टर नहीं होता है, तो जब भी आपका स्टॉप आता है आपको ये रेड बटन जो दिख रहा है इसको प्रेस ज़रूर करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर कोई भी पैसेंजर नहीं है बस स्टॉप पे, तो बस नहीं रुकेगी, सीधी चली जाएगी। तो ऑलवेज़ यूज़ दैट। आप इंग्लैंड में आओ ना, तो एक चीज़ बहुत अजीब है यहाँ के घर। अगर आप इन घरों को देखो, ये सब बाहर से सब एक जैसे दिखते हैं, रेड ब्रिक के घर हमेशा। मैं जब इंडिया से आई थी तो मैं सोचती थी ओ गॉड, हमारे इंडिया में तो बहुत ही अलग डिज़ाइन होते हैं, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले घर होते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं बाहर से अंदर से, पर यहाँ पे एक ही जैसे घर दिखते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ बाहर से है, अंदर से घर इतने खूबसूरत होते हैं, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। हर घर में मैक्सिमम जो घर होते हैं बड़े घर, उनमें गार्डन तो ज़रूर होता है। मेरा स्टॉप आ गया, अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं बटन दबाने वाली हूँ क्योंकि नेक्स्ट स्टॉप जो है वो मेरा है। तो ये प्रेस किया है मैंने बटन और अब मेरा स्टॉप आ गया है। यहाँ पे लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत है। मेरे हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने ये है पार्क। मैं जब भी यहाँ पे सुबह शाम कभी भी आते हुए या जाते हुए देखूँ, लोग हमें यहाँ पे वर्कआउट करते नजर ही आएंगे, रनिंग जॉगिंग। यहाँ इंग्लैंड में लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा है, तो किसी भी टाइम कोई भी जिसको जब भी टाइम मिलता है, या ये लोग रनिंग कर रहे होते हैं या ये लोग जॉगिंग करते होते हैं। चलो जी, मेरा स्टॉप आ गया, अब मैं उतर रही हूँ यहाँ पे। चला, अब मैं इसके अंदर जा रही हूँ।
ये मेरा बहुत ही प्यारा हॉस्पिटल है यार। इतने सारे लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि मैं क्या काम करती हूँ। तो मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, एनएचएस में काम करती हूँ, और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है ये। मुझे लगा मेरे पीछे कोई आ रहा है यार। ये जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज है ना, ये अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल, आपको कहते हैं कि जब आप खासकर सोशल कॉज के लिए या हॉस्पिटल की जो जॉब्स होती हैं या कहीं पे भी जहाँ पे आप पब्लिक को कहते हैं ना कि सर्व कर रहे हो, वो अपने आप में एक बहुत ही प्राउड की बात फील होती है कि हैट्स ऑफ है। जब कहते हैं ना कोविड आया था तो एनएचएस के सभी डॉक्टर्स ने, जो फ्रंटलाइन स्टाफ था, सब ने आउटस्टैंडिंग जॉब किया था, दिन रात एक कर दिया था। तो बहुत ही, मैं पर्सनली बहुत ही प्राउड फील करती हूँ एनएचएस के साथ वर्क करने में। तो मैं पहुंच गई अपना हॉस्पिटल, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। टेक केयर, बाय। मतलब अभी मिल रही हूँ थोड़ी देर में। तो जी, ब्रेक का टाइम हुआ है हल्का सा, सोचा ब्रेक टाइम में थोड़ी सी कॉफ़ी का आनंद उठाया जाए। तो नॉर्मली मैं आपको दिखाती हूँ अपने पास क्या रखती हूँ। ये हॉट चॉकलेट है, ये मैं ज़रूर रखती हूँ अपने पास, और साथ में कॉफ़ी जो है, साथ में कॉफ़ी के साथ ऑलवेज आई हैव दिस, क्योंकि मैं ब्लैक कॉफ़ी डायरेक्ट नहीं पी सकती, उसके लिए थोड़ा सा कॉफ़ी मेट होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर का ब्रेक है, उसके बाद फिर काम पर वापस लग जाना है। एंड आई सी यू इन अ बिट। टेक केयर। आज हमारे हॉस्पिटल में ना एक सेलिब्रेशन हो रही है, फ्राइडे है, तो मैं आपको चलो जल्दी से एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ उस सेलिब्रेशन की। सारा का सारा स्टाफ है वहाँ पे। रेचल, इवनिंग हो गई है यहाँ पे, अब आई थिंक 5:00, इतना दिमाग काम में चला, तो 5:30 हो गया है यहाँ पे। अब मैं निकल रही हूँ घर की तरफ, मेरे हस्बैंड आए हैं मुझे लेने के लिए, तो आज का दिन इतना बिजी था, वो आ गए हैं, मैं अभी मिलती हूँ आपसे। तो ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया है, घर जाने का टाइम हो गया है, और आई एम ग्लैड कि मेरे हस्बैंड आ गए हैं मुझे लेने। इससे बड़ी कैसे ना, जैसे वो बचपन में होता है ना कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, घर जाने का टाइम, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ऑफिस से सीधा घर जा रही होती हूँ ना, वो भी ऐसे, मतलब आई एम सो हैप्पी। इतना टायरिंग डे था, बट आई एम ग्लैड कि नाउ आई एम गोइंग होम। तो जी, घर आके जो मुझे खुशी मिली है, जो मेरे चेहरे पे अचानक ग्लो आया, मैं आपको क्या बताऊँ कि घर घर होता है यार, घर को कोई बीट नहीं कर सकता। और ऊपर से अगर आपका खुद का पति, आपका प्यारा पति आपके लिए सरप्राइजिंगली आपकी पसंद का खाना बनाया, तो वो तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। तो आज मुझे मिला है, वैसे कहा था उन्होंने ये था कि मैंने तुम्हारे लिए फ्राइड राइस बनाया, पर बनाया नहीं है उन्होंने, हमें लपेट दिया, बनाया उन्होंने जीरा राइस है, पर साथ में बनाया चिली पनीर, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो कहते ना कि यार, अगर आप थक कर आए और वीकेंड हो और आपका पति आपके लिए खाना बनाए, तो उससे ज़्यादा कहते ना आप और क्या चाहोगे जीवन में। मैं तो कुछ नहीं चाहूँगी, मैं तो बहुत ही खुश हूँ, अब मुझे खाने की कोई डिनर की टेंशन नहीं है, अब मैं जाके अपना कहते ना कि आराम से बैठूंगी प्ले स्टेशन पे, रात भर गेम के दौर चलेंगे, कुछ शायद एक आधी मूवी भी देख लूँ, और हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं ये चीज़ वीकेंड पे। एक फ्राइडे नाइट होती है और एक सैटरडे नाइट होती है, जहाँ पे आप लेट नाइट जागना अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि संडे को यू हैव टू बी कम बैक इन टू दैट कहते ना डिसिप्लिन, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका फिर ऑफिस है मंडे को, तो यू कॉन्ट टेक चांस कि आप रात को लेट नाइट जाग रहे हो और फिर सुबह यू नो ऑफिस में सो रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आज से मेरी लाइफ की इस वीक की सेलिब्रेशन स्टार्ट होती है मेरी फ्राइडे से,
और फिर लेट्स सी कि हम लोग रात में, मेरी पसंदीदा गेम जो है मोस्टली मैं खेलना पसंद करती हूँ टेनिस इस पे प्ले स्टेशन पे। तो वो कहते ना कि जो आप चीज़ें अपनी लाइफ में कई बार टाइम नहीं मिल पाता, तो घर बैठ के एटलीस्ट प्ले स्टेशन पे टेनिस खेलने का जो मज़ा है ना वो अपना ही है। खैर चलो मैं आपको दिखाती हूँ इन्होंने बनाया क्या है। ओए होए जो खाने की मैं कह रही हूँ खुशबू आ रही है ना, लाजवाब। ओए होए बहुत ही प्यारी खुशबू है। वेल डन, बहुत बढ़िया ट्रेन कर दिया है मैंने। मुझे बहुत खुशी है कि आप खाना बनाना सीख गए हैं। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम, परफेक्ट। तो जी इस बार अभी हम जो डिनर करने वाले हैं, डिनर करने से पहले मैं आपको बताऊं मेरा बड़ा ही फेवरेट 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 यार मेरे बाल। मेरे बाल हमेशा से क्यों है जी? नेवर माइंड, अब जो जैसा भगवान ने बनाया है जैसा भी है ठीक है, काम चल रहा है ना, काम ही चलना चाहिए। पर दिलजीत दोसांझ की मूवी हम देखने जा रहे हैं इस वीकेंड, और इस वीकेंड जब हम जाएंगे, मतलब मैं दिलजीत की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ ना, इतनी बड़ी फ़ैन हूँ मैं आपको क्या बताऊँ। जट एंड जूलियट से मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैंने जट एंड जूलियट के दोनों पार्ट देखे हैं। बहुत ही ज़्यादा उसके जो कहते हैं ना कि कॉमिक टाइमिंग है या कहते हैं पंच लाइन, हर चीज़ इतनी आउटस्टैंडिंग है ना। आई मैं बहुत दिल से दिलजीत की फ़ैन हूँ। तो मैं जल्दी से मैं सोच रही हूँ कि हम लोग एज सुन एज पॉसिबल, जैसे टाइम मिले, आई होप कोई वीकेंड पे कुछ हो ना, कोई आए ना, कोई विजिट ना करे, हम बस जाएं और मूवी देख कर आएँ। तो दिलजीत की मूवी देखने जाएंगे इस वीकेंड, और तब तक आप अपना ख्याल रखें। मैं तो बोलूँगी कि अगर आपको भी मौका मिले और थोड़ा हंसने का मन करे तो दिलजीत की मूवी ज़रूर आप देखना। तो तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, सी यू सून।